गुमला जिले के भरनो प्रखंड के नया थाना भवन के समीप पलमा डीपा स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर का दो दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद समीर उराव, जीप अध्यक्ष किरण माला बड़ा व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आचार्यों के द्वारा मंदिर प्रांगण में विधिवत ध्वजारोहण कर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों पुरुष, महिला, युवतियां और बच्चियां पैदल यात्रा कर पारस नदी से विधिवत जल उठाया और कलश यात्रा नवाटोली ब्लॉक चौक, स्कूल चौक, बस्ती बाजार टांड होते हुए नगर भ्रमण करते हुए पलमा डीपा स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां पर कलश स्थापना की गई। बता दें कि 2015 में इस शिव मंदिर निर्माण कार्य का आधार शिला रखी गई थी। तब से लेकर अब तक 5 थाना प्रभारी इधर से उधर हुए हैं। इसके उपरांत अब नव निर्मित शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रविवार को ध्वजारोहण, कलश यात्रा, प्रसाद वितरण, शाम में दीप यज्ञ समेत प्रवचन किया गया। वहीं दूसरे दिन सोमवार को मंदिर की शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा, रुद्राभिषेक, हवन, विशाल भंडारा, प्रसाद वितरण के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अजीत सोनी की रिपोर्ट। भरनो थाना के बगल में नवनिर्मित शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के एवज में आज ध्वजारोहण के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कल शिव प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ शिव रुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ का आयोजन रखा गया है।